नायर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स, टुडे वी सी चैप्टर 15 ऑफ 7th क्लास साइंस। लाइट वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 15 लाइट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। लाइट मीन्स होता है प्रकाश, ठीक है। प्रकाश का सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन गिवन है और जो ब्लैंक जगह दी गई है वहां पर हमें फिल करना है, ठीक है। ए नंबर पे दिया गया है एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड डैश डैश। एक इमेज जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं डैश डैश। तो हमें यहाँ पर राइट कर देना है फर्स्ट नंबर पर विर्टुअल इमेज, मतलब आभासी तस्वीर। विर्टुअल इमेज मीन्स होता है आभासी तस्वीर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर राइट कर देना है विर्टुअल इमेज, ठीक है। सेकंड नंबर पे दिया गया है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स डैश डैश इज ऑलवेज विर्टुअल एंड स्मॉलर इन साइज। उत्तल डैश डैश द्वारा बनाई गई इमेज हमेशा आभासी और आकार में छोटी होती है, ठीक है। आकार में कैसी होती है, स्मॉलर इन साइज। तो हमें सेकंड नंबर पर राइट कर देना है मिरर। मिरर मीन्स होता है दर्पण या फिर कांच, ठीक है। तो हमें सेकंड नंबर पर राइट कर देना है मिरर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पे, एन इमेज फॉर्म्ड बाय डैश डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक इमेज द्वारा बनाई गई दर्पण हमेशा ऑलवेज समान आकार की होती है, ठीक है। सेम साइज समान आकार की होती है। तो हमें यहाँ पर थर्ड नंबर पे राइट कर देना है प्लेन। प्लेन मीन्स होता है विमान, ठीक है। हमें यहाँ पर प्लेन राइट कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेंड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड अ डैश डैश इमेज। एक इमेज जो एक स्क्रीन पर प्राप्त की जा सकती है, एक इमेज जो एक स्क्रीन पर प्राप्त की जा सकती है उसे डैश डैश कहते हैं। तो हमें यहाँ पर राइट कर देना है रियल इमेज कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, रियल इमेज मीन्स होता है असली इमेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर पे, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव डैश डैश कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन ए स्क्रीन। एक अवतल द्वारा निर्मित एक इमेज डैश डैश एक स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो हमें यहाँ पर राइट कर देना है लेंस। हमें यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर राइट कर देना है लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैच द आइटम्स गिवन ऑन ऑफ कॉलम फर्स्ट विद वन मोर आइटम कॉलम सेकंड, ठीक है। हमें यहाँ पर कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को मैच करना है, ठीक है। हमें टू कॉलम्स यहाँ पर गिवन है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, ठीक है। हमें इनको मैच करना है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है प्लेन मिरर। ए प्लेन मिरर का को मैच कर देना है, द इमेज इज ऑलवेज इन वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। सॉरी, इसको इससे मैच कर देना है विनमस, ठीक है। द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिफ्थ नंबर से हमें ए नंबर को फिफ्थ नंबर से मैच कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखते ए कॉन्वेक्स मिरर। ए कॉन्वेक्स मिरर बी नंबर को हमें सेकंड नंबर से मैच कर देना है। कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रिट और अ लार्ज एरिया, ठीक है। हमें इसको
इससे मैच कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर, एक कॉन्वेक्स लेंस, सी नंबर को हमें फर्स्ट नंबर से मैच कर, एक कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ से, हाँ, फर्स्ट नंबर से मैच कर देना है, ठीक है। सी नंबर को फर्स्ट नंबर से मैच कर देना है। यूज्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, यूज्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉनकेव मिरर, ए कॉनकेव मिरर, डी नंबर को थर्ड नंबर से मैच कर देना है। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन इनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ, ठीक है। ए कॉनकेव मिरर को हमें इमेज कर देना है थर्ड नंबर से। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ए कॉनकेव लेंस, ई नंबर को सिक्स नंबर से मैच कर देना है। द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मड बाय ए प्लेन मिरर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है समतल दर्पण द्वारा निर्मित इमेज की विशेषताएं बताइए, समतल दर्पण द्वारा निर्मित इमेज की विशेषताएं, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा निर्मित इमेज की विशेषताएं। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है इट फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, यह एक स्तंभ इमेज बनाता है, ठीक है, यह एक स्तंभ इमेज बनाता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे देखते हैं इट फॉर्म्स अ विटल इमेज, यह एक आभासी इमेज बनाता है, ठीक, यह इट इज इट फॉर्म अ विटल इमेज, यह एक आभासी छवि बनाता है। इट फॉर्म्स द इमेज बिहाइंड द मिरर, यह दर्पण के पीछे इमेज बनाता है, ठीक है। इट फॉर्म्स द इमेज बिहाइंड द मिरर, यह दर्पण के पीछे, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे और मिरर मीन्स होता है कांच, यह दर्पण के पीछे एक इमेज बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर पे, द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज का आकार वस्तु के समान है, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज, इमेज का आकार वस्तु के समान है, सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर, इट फॉर्म्स द इमेज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ इट, यह दर्पण के पीछे समान दूरी पर इमेज बनाता है क्योंकि बिकॉज वस्तु के इसके विपरीत खड़ी होती है, ठीक है, वो वस्तु इसके विपरीत खड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव लेंस, ठीक है। हमें यहाँ पर डिफरेंट बताना है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस के बीच में। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मीन्स होता है उत्तल और अवतल, ठीक है, उत्तल और अवतल के बीच में अंतर बताना है हमें, ठीक है। इसका आंसर है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मीन्स होता है उत्तल, ठीक है, कॉन्वेक्स मतलब होता है उत्तल, उत्तल में आ जाएगा। दीज आर थिक एट मिडिल एंड थिन एट इच, ए बीच में मोटे होते हैं, दीज आर थिक एट मिडिल, मिडिल मतलब होता है सेंटर या फिर बीच में, ठीक है, यह बीच में थिक होते हैं, यह मोटे होते हैं बीच में, और थिन एट एज, ठीक है, और पतले होते हैं, और किनारे पे कैसे होते हैं, इट्स एज मतलब होता है किनारे, ठीक है, किनारे पर ये पतले होते हैं और बीच में मोटे हैं होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटे होते हैं और किनारों पे
पतले होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, दे कैन फॉर्म मैग्निफाइड इमेज, वे आकर्षित इमेज बना सकते हैं, वे आकर्षित आकर्षित सॉरी आवर्धित इमेज बना सकते हैं। मैग्निफाइड मीन्स होता है आवर्धित, ठीक है, वे आवर्धित इमेज बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मीन्स होता है अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस मीन्स होता है अवतल लेंस, ठीक है। दिस आर द थिन एट मिडिल, ये मिडिल में कैसे होते हैं, पतले होते हैं, एंड थिक एट द एज, और किनारे पे मोटे होते हैं। और जो कॉन्वेक्स लेंस थे वो बीच में क्या होते थे, मोटे होते थे और किनारे पतले होते थे, और ये क्या है, ये कॉनकेव लेंस होते हैं, बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं, ठीक है। द इमेज फाउंड बाय दिस लेंस आर ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज, इन लेंसों द्वारा बनी गई इमेज हमेशा आकार से कम हो जाती है, हमेशा किसी हो जाती है, आकार से कम हो जाती है, डिमिनिश्ड, ठीक है, आकार से कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गिव वन यूज ईच ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, अवतल और उत्तल दर्पण का एक एक उपयोग दीजिए। हमें यहाँ पर अवतल और उत्तल दर्पण का एक एक उपयोग बताना है। गिव वन यूज ईच ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, हमें एक एक उपयोग बताना है उत्तल और अवतल का, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इट इज यूज इन व्हीकल या रियर व्यू मिरर्स, ठीक, का उपयोग, इसका उपयोग वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक, इसका उपयोग वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। जब हम वाहन चलाते हैं तो उस टाइम पे हमें, जब हमें साइड देखनी होती है तो हम इस दर्पण का उपयोग करके कर सकते हैं, ठीक है, इस दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब होता है उत्तल दर्पण का उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर का आ जाएगा, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन इज यूज इन व्हीकल एज रियर व्यू मिरर्स, इसका उपयोग जो डॉक्टर दंत चिकित्सक रहते हैं उसके द्वारा जांच करने के लिए वाहनों वाहनों में रियर या मिरर के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। इसका उपयोग डेंटिस्ट डॉक्टर जो रहता है दांत देखने के लिए करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर होता है अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म ऑलवेज अ विटल इमेज, किस प्रकार का लेंस ऑलवेज एक आभासी इमेज बनाता है, विटल इमेज बनाता है, किस प्रकार का लेंस हमेशा एक विटल इमेज बनाता है। इसका आंसर आ जाएगा कॉनकेव लेंस, मतलब अवतल लेंस हमेशा एक आभासी छवि या इमेज बनाता है, ठीक है, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अ विटल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय अ, वस्तु में बड़ी आभासी छवि का उत्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है। इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी, फर्स्ट फर्स्ट नंबर भी दिया गया है कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, सेकंड नंबर भी दिया है कॉनकेव मिरर, अवतल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण और प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है कि वस्तु से बड़ी आभासी इमेज का उत्पादन इसके द्वारा किया जा सकता है, उसका नाम है कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण, ठीक है।